नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज हम पार्टनरशिप लेसन 2 का क्वेश्चन नंबर 35 लगाएंगे। ये आरसी अग्रवाल की बुक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 35 देखिए, आपके सामने बैलेंस शीट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2018 का है। ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। यहाँ देखिए ध्यान से, क्रेडिटर्स दिया है 20,000, कैपिटल दिया है ए और बी का 30,000 और 20,000। यहाँ देखिए कैश दिया है, आपका कैश दिया है 3,000, डेटर्स दिया है 12,000, स्टॉक दिया है 15,000, फर्नीचर दिया है 10,000 और ये प्लांट और मशीन दिया है 30,000। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट है। तो देखिए सा यानी सी, यहाँ पे आप सी समझेंगे, सी कुछ कंडीशंस के साथ यहाँ पे आता है। वो कंडीशंस क्या क्या हैं आइए देखते हैं। सी को प्रॉफिट में 1/6 पार्ट मिलेगा, जिसके लिए वह 15,000 कैपिटल, 5,000 गुडविल लेके आएगा। आगे देखिए, स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी की जाएगी, जबकि प्लांट और मशीन में 10% की वृद्धि की जाएगी, इंक्रीज किया जाएगा। आगे देखिए, फर्नीचर का मूल्यांकन 9,000 पे किया गया। फर्नीचर देखिए यहाँ पे 10,000 दिया है और 9,000 पे किया गया, तो 1,000 इसके प्राइस में कमी आई। डेटर्स पे 5% आपको डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है। ठीक है, 200 बिजली का बिल देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 1,000 मूल्य के निवेश, जिसको आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया था, अब आपको दिखाना है। आगे देखिए, एक क्रेडिटर है जिसको 100 रुपया देना था, अब ये पता चला कि ये नहीं देना है, वो क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको अपलिखित यानी रिटर्न ऑफ किया जाएगा। अब देखिए, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और जो फर्म है उसका बैलेंस शीट बनाना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ये 200 बिजली का बिल देने के लिए उपलब्ध होंगे, ये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, इससे लाइबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका सल्यूशन देखते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी की जाए। देखिए स्टॉक कितना है यहाँ पे, 15,000, 15,000 का 10% कितना होगा, 1,500 होगा। यहाँ पे देखिए, जब स्टॉक के मूल्य में कमी आती है तो उसको डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि जब एसेट्स कम होता है तो डेबिट में लिखते हैं, डेबिट में लिख दिया मैंने। अब आगे देखिए, लिखा है कि प्लांट और मशीन के मूल्य में 10% की वृद्धि यानी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लांट और मशीन का मूल्य कितना है, 30,000, 30,000 का 10% 3,000, तो जब आपका एसेट्स का वैल्यू बढ़ती है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, मैंने लिख दिया। अब देखिए, फर्नीचर का मूल्यांकन 9,000 पे किया गया। यहाँ देखिए, फर्नीचर का मूल्यांकन जो है आपका 9,000 पे किया गया। अच्छा, फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर है आपका 10,000 का, यहाँ पे 9,000 है, यानी 1,000 की कमी आएगी। एसेट्स कम हुआ तो डेबिट में लिखेंगे, यहाँ देखिए हमने डेबिट में लिखा है इसको। ओके, आगे देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 5% का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन जब बनता है तो लाइबिलिटी अधिक होती है, लाइबिलिटी जब अधिक होती है तो उसको डेबिट में लिखते हैं, बताया गया आपको। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 600 कैसे आया भाई, आपका डेटर्स देखिए यहाँ पे, डेटर्स ये देखिए 12,000 है, 12,000 का 5% 600 होगा, तो 600 मैंने लिख दिया। उसके बाद 200 ये बिजली का बिल देने के लिए उपलब्ध होंगे, यानी दिया नहीं गया है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी आपकी ज़्यादा हो गई, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे देखिए डेबिट साइड में। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए, उसको दिखाया नहीं गया था बैलेंस शीट में, अब दिखाते हैं ना। इन्वेस्टमेंट यानी जब एसेट्स बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, हमने लिख दिया, फ़ायदा था इसको लिख दिया। अब ऐसे ही देखिए, एक क्लेम था 100 का, जिसको अब वो क्लेम नहीं करेगा, यानी जो क्रेडिटर है वो मांगेगा नहीं, तो ये फ़ायदा हुआ, लाइबिलिटी कम हुई, फ़ायदा हुआ ना,
तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब इसकी बैलेंसिंग की जाएगी, यहाँ देखिए इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसको दोनों साइड लिखा जाएगा, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो ज़्यादा है, मैंने उसको दोनों साइड लिख दिया है, और ये आपके डेबिट साइड का बैलेंस जब इसमें से घटाया तो 900 आया। इस 900 को मैंने बांटा है ये देखिए इस रेशियो में 3:2 के अनुपात में, ठीक है। तो 3:2 के अनुपात में जब बांटेंगे तो ये आएगा 480 ए का और बी का 320। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि इसका पार्टनर्स कैपिटल खुद से बनाइए, बहुत आसान है इसका पार्टनर्स कैपिटल, बस आपको पार्टनर्स के कैपिटल में इन्हीं प्रॉफिट को ऐड कर देना है, तो होप कि आप बना लेंगे। आइए मैं बैलेंस शीट बताता हूँ। ये देखिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो कि 1 अप्रैल 2018 को बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 का है ये, यानी 31 मार्च 2018 के बाद का, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है नई फर्म का। आइए अभी देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स ना आपके 20,000 दिया हुआ था, इस 20,000 में आपको याद है 100 रुपये का जो क्लेम था वो नहीं मिलना था, मतलब नहीं देना था, सॉरी मिलना नहीं था, देना नहीं था, तो वो फ़ायदा हुआ, उस क्लेम को हम घटा देंगे, लाइबिलिटी कम हुई, 19,900 ये हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिल याद है 200 का था, इस आउटस्टैंडिंग को आपको पता ही है लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। और ये देखिए मैंने कैपिटल निकाला है तो 33,480, 22,320 और 15,000 ये आया है, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये आएगा आपका 70,800। यहाँ एक मिनट, मैंने यहाँ साफ लिख देता हूँ, इतना आपका ये आएगा। ओके, अब आइए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड निकालने के लिए मैं हमेशा यही आपको सजेशन देता हूँ कि एक कैश अकाउंट बना दें, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए कैश अकाउंट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैश का और कोई बैलेंस नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ देखिए कैश जो है ये 3,000 पहले से है इसमें, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए सी जो है 15,000 कैपिटल के लिए और 5,000 गुडविल के लिए लेके आया है, तो ये जो दोनों हैं इन दोनों को भी इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। यानी 3,000 + 15,000 + 5,000, तो 3,000 + 15,000 + 5,000 ये आपका हो जाएगा 23,000, ठीक है। कुछ निकाल के तो दे नहीं गए हैं तो उसको लिखा नहीं जाएगा, बाकी ये आपका हो जाएगा 23,000। ओके, अब देखिए आपका सेंडरी डेटर्स है 12,000, यहाँ पे ये सब बैलेंस शीट में दिया है। अभी मैंने 600 का प्रोविजन बनाया है ना, 600 इसको घटा देते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए आपका जो स्टॉक है, स्टॉक कितना दिया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए स्टॉक दिया 15,000 और स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी आई थी, यानी 15,000 में आप 10% को घटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा 13,500। ओके, इसी तरह फर्नीचर का मूल्य देखिए, फर्नीचर का मूल्य कितना दिया है, 10,000 दिया हुआ है। इसमें कहा था फर्नीचर को कि फर्नीचर का मूल्य 9,000 कर दिया गया, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे 9,000 आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। प्लांट और मशीन के मूल्य में 10% की वृद्धि होगी, प्लांट और मशीन देखिए 30,000 था, 10% 3,000 इंक्रीज हो गया, ये आपका हो गया 33,000। और एक इन्वेस्टमेंट था, याद होगा आपको इन्वेस्टमेंट 1,000 मूल्य का निवेश था, उसको दिखाया नहीं गया था, तो इसको आप दिखा दीजिए, ठीक। ओके, आइए इसको ऐड किया जाए। ऐड होने पे बैलेंस शीट का दोनों साइड 90,900 आएगा, ठीक है। इस बैलेंस शीट मैच हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी के जो भी क्वेश्चन के वीडियो हैं वो इसी पे चल जाएंगे। पसंद आया तो लाइक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।